फ्रेंड्स, आज हम ये वाला गेट बनाएंगे। देखिए, इस गेट की ये जो पट्टी है ये अलग से बनाई गई है। पहले हमें इसकी ये पट्टी बनाना है, उसके बाद हम ये नीचे का पैटर्न बनाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस गेट की ये पट्टी बना के बताऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने 7 नंबर का क्रोशिया लिया है और 2 प्लाई का वाइट कलर का ऊन। तो सबसे पहले हम इसमें एक फंदा ऐसे बनाएंगे। अब इसमें हम चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चैन बना के इसमें हमें डबल क्रोशिया का फंदा बनाना है। इसके इस नेक्स्ट वाले चैन में बनाएंगे। देखिए, अब इसकी नेक्स्ट वाली चैन में बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हम हर चैन में एक एक फंदा बनाते हुए जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 25 फंदा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए, दूसरी लाइन भी हम उसी तरह से बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें हर फंदे के ऊपर एक फंदा बनाते हुए जाना है, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें 6 फंदा बनाना है इस फंदे में। 1 2 3 4 5 6। देखिए, अब हमें यहाँ पे 6 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 फंदा छोड़ के हमें इस 8वें फंदे में 6 फंदा बनाना है। देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे ये 6 फंदे की तितली बनाई है, उसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 फंदा छोड़ के इस 8वें फंदे में 6 फंदा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए, 6 चैन बना के 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदा छोड़ेंगे और यहाँ पे हम 6 फंदा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए, इस तरह से ये दिख रहा है। अब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए, हमें 3 फंदा इस साइड में रखना है और 3 फंदा हमें इस साइड में रखना है। और यहाँ पे देखिए, इस बीच में हमें 6 फंदा बनाना है। कैसे? 1 2
तीन, चार, पाँच, छः। पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ पे इस तितली में भी हम उसी तरह से करेंगे, तीन फंदा हम इस साइड में करेंगे और तीन फंदा हम इस साइड में करेंगे और बीच में हम छः फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। पाँच चैन, एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ पे भी हम उसी तरह से बनाएंगे छः फंदा। अब पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ पे हम उसी तरह से करेंगे ऐसे, जैसे बीच में छह फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से दिख रहा है। अब तीन चैन, एक दो तीन, और इसे हम पलट लेंगे। देखिए यहाँ पे हम उसी तरह से बनाएंगे, बीच में तीन फंदा इस साइड में करके और तीन फंदा इस साइड में करके बीच में हम छह फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। तीन चैन, एक दो तीन। अब देखिए ये दोनों जो जाली है इसे हमें ऐसे पकड़ के बांधना है। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए ऐसे, फिर तीन चैन, एक दो तीन। अब यहाँ पे बीच में छः फंदा, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चैन। अब यहाँ पे इसे हम बांध देंगे सिंगल क्रोशिया बना के, एक दो तीन चैन। अब यहाँ पे बीच में छः फंदा। तीन चैन, एक दो तीन, और फिर से हम इसे ऐसे बांधेंगे, एक दो तीन चैन। अब यहाँ पे छः फंदा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से दिख रहा है। अब तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और इसे हम पलट लेंगे। देखिए ये डिज़ाइन तीन लाइनों में कंप्लीट हो जाती है, तो अब हमें ये वाली लाइन यहाँ पे रिपीट करना है। देखिए हमने यहाँ पे तीन लाइन बना लिया है, तो ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे ये पहली लाइन रिपीट करेंगे, उसके बाद हम ये दोनों लाइन उसके ऊपर रिपीट करेंगे। इसी तरह से हमें तीन लाइन को रिपीट करते हुए जाना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ,
देखिए यहाँ पे ऐसे बीच में छह फंदा बनाएंगे इसमें। देखिए छह फंदा बनाने के बाद छह चैन, एक दो तीन चार पाँच छः। अब यहाँ पे बीच में छः फंदा। देखिए इस तरह से ये बन रहा है। फ्रेंड्स आपको जितनी बड़ी पट्टी बनानी है आप इसी तीन लाइनों को रिपीट करते हुए जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद ये इस तरह से दिख रही है। फ्रेंड्स जितना बड़ा पट्टी आपको बनाना है आप इसी तीन लाइनों को रिपीट करते हुए जाइए। मैं आपको ये छोटा सा बना के बता रही हूँ, बाकी जब आप बनाइएगा तो आप इस गेट में जिस तरह से ऐसे ये बड़ी सी पट्टी है अपने दरवाजे के नाप के हिसाब से ऐसे बना लीजिएगा। देखिए मैं आपको सिर्फ ये छोटा सा सैंपल बना के बता रही हूँ। अब देखिए पूरी पट्टी बनाने के बाद लास्ट में हमें इसी तरह से बनाना है ये दो लाइन। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाया था उसी तरह से हमें लास्ट में बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पे फंदों को सेट करके बता देती हूँ, बाकी जब आप पूरी लंबी सी पट्टी बना लीजिएगा जितनी बड़ी आपको चाहिए तो लास्ट में इसी तरह से फंदों को सेट कर दीजिएगा। देखिए जब हम यहाँ पे ये तीन लाइन बना लेंगे डिज़ाइन की तो इसके ऊपर हमें फंदों को बंद करना है। एक दो तीन चैन बना के इसे हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे बीच में इसे हम जॉइन कर देंगे ऐसे। अब एक दो तीन चार पाँच छः चैन बना के यहाँ पे बीच में इसे हम ऐसे जॉइन कर देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः चैन बना के यहाँ पे जॉइन कर देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः चैन अब यहाँ पे बीच में ऐसे जॉइन कर देंगे। अब देखिए धागे को हम यहाँ पे किनारे लेके आएंगे ऐसे। अब इसे हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे हम एक फंदा बनाएंगे। और एक फंदा हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए दो फंदा हो गया, एक दो, और एक फंदा हम यहाँ पे बनाएंगे तीन। अब यहाँ पे हम छः फंदा बनाएंगे, चार पाँच छः सात आठ नौ। अब एक फंदा हमें यहाँ पे बनाना है, दस। अब यहाँ पे बीच में देखिए यहाँ पे बीच में जाली में हम पांच फंदा बनाएंगे, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। अब एक फंदा हम यहाँ पे बनाएंगे, अब यहाँ पे इस जाली में हम छः फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरीके से दिख रहा है। देखिए यहाँ तक ये पंद्रह फंदा हो गया, ये सोलह। अब यहाँ पे हम छः फंदा बनाएंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे बना लिया है, सत्रह अठारह उन्नीस
बीस, इक्कीस, बाईस, देखिए छः फंदा हो गया। अब तीन फंदा हम यहाँ पे बनाएंगे, तेईस, चौबीस, पच्चीस। अब इसे हम पलट लेंगे। अब देखिए हर फंदे के ऊपर हमें एक फंदा बनाते हुए जाना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से ये दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हमने ये 25 फंदा रखा था, तो यहाँ पे भी हमने 25 फंदा बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर हम ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, तो यहाँ पे दो लाइन इसी तरह से हो जाएगी। फ्रेंड्स जितनी बड़ी पट्टी आपको बनानी है आप लंबाई पूरी बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से दो लाइन बना लीजिएगा लास्ट में। देखिए जैसे यहाँ पे इस गेट में है। तो फ्रेंड्स इसके नीचे का पैटर्न मैं इसके अगले वीडियो में बना के बताऊंगी, ये वाला जो पैटर्न है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।